नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लोक भवन के पंचम तल में बैठने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। वहीं राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार का गठन हो गया है और इसमें 52 सदस्यों को कैबिनेट में जगह दी गई है। फिलहाल बीजेपी ने 2022 में विधानसभा चुनाव में बनी सरकार के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश की है और इसी के तहत उसने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का चक्रव्यूह भी तैयार किया है ताकि 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों का प्रदर्शन फिर से दोहराया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने अपने कैबिनेट में 18 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्रियों को शामिल किया है। अपने कैबिनेट के जरिए योगी सरकार ने सभी तरह के जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में पहली बार किसी सुन्नी मुस्लिम को जगह दे गए हैं, जबकि इससे पहले बीजेपी सरकार शिया मुस्लिमों को कैबिनेट में शामिल करती आई है। अगर योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में जाति समीकरण को देखा जाए तो इस बार कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही 21 उच्च जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि 20 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं और इसके साथ ही 9 दलित वर्ग के मंत्री भी बनाए गए हैं, जबकि मुस्लिम, सिख और पंजाबी समुदायों से एक एक मंत्री को ही कैबिनेट में शामिल किया गया है। उच्च जातियों में सबसे ज्यादा ठाकुर मंत्री। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट 2.0 में उच्च जातियों के 21 मंत्री हैं और इसमें से कई ब्राह्मण हैं, जबकि 8 ठाकुर मंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में हैं। वहीं कैबिनेट में 3 वैश्य, 1 कायस्थ और 2 भूमिहार को शामिल भी किया गया है। 7 ब्राह्मण मंत्रियों में से 3 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 1 के पास स्वतंत्र प्रभार है और 3 राज्य मंत्री हैं। जबकि ठाकुरों में जयवीर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और इसके साथ ही जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह और दिनेश प्रताप सिंह को स्वतंत्र प्रभाव वाला राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं बृजेश सिंह, मयंकेश्वर शरण सिंह और सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि वैश्य जाति के 3 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें नंदगोपाल नंदी कैबिनेट मंत्री है, वहीं नितिन अग्रवाल और कपिल देव अग्रवाल को राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि भूमिहार समाज से सूर्य प्रताप शाही और अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही कायस्थ समाज के अरुण कुमार सक्सेना को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। ओबीसी से बनाए गए हैं 20 मंत्री। वहीं अगर बात अन्य पिछड़ा वर्ग की जाए तो इस बार योगी कैबिनेट में 20 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें बीजेपी के सहयोगी अपना दल और निषाद दल को कैबिनेट मंत्री की बर्थ दी गई है। वहीं बीजेपी में ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं कुर्मी नेता स्वतंत्र देव सिंह और राकेश सचान और अपना दल के आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही ओबीसी समुदाय के 8 नेताओं को कैबिनेट की सीटें दी गई हैं। जाट नेता लक्ष्मी नारायण चौधरी और भूपेंद्र सिंह चौधरी भी कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए गए हैं, जबकि राजभर समाज से अनिल राजभर, निषाद समाज से संजय निषाद और लोध समाज से धर्मपाल सिंह को मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही 6 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और इसमें लोध समुदाय से संदीप सिंह, निषाद समुदाय से नरेंद्र कश्यप, यादव समुदाय से गिरीश चंद्र यादव, कुर्मी समुदाय से संजय गंगवार, प्रजापति जाति से धर्मवीर प्रजापति और कलवार जाति से रविंद्र जायसवाल को मंत्री नियुक्त किया गया है। इनके अलावा 6 ओबीसी नेताओं को जूनियर मंत्री भी बनाया गया है। योगी कैबिनेट में 9 दलितों को बनाया गया है मंत्री। फिलहाल विधानसभा चुनाव में दलित वर्ग का रुझान बीजेपी की तरफ देखने को मिला और इसको देखते हुए योगी कैबिनेट में 9 दलित नेताओं को मंत्री बनाया गया है। इसमें बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री और असीम अरुण को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। योगी कैबिनेट में मुस्लिम, सिख और पंजाबी समुदायों को भी मिली है जगह। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदायों को भी जगह मिली है। योगी कैबिनेट में पहली बार किसी सुन्नी मुस्लिम नेता को शामिल किया गया है। बीजेपी ने दानिश आजाद अंसारी, जो कि मोहसिन रजा की जगह मंत्री नियुक्त किए गए हैं।
हालांकि अंसारी अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन पसमांदा मुस्लिमों की आबादी को देखते हुए बीजेपी ने इस वर्ग पर बड़ा दांव खेला है। वहीं अगर सिखों की बात की जाए तो सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले बलदेव सिंह औलख फिर से कैबिनेट में जगह मिल गई है और उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि शाहजहांपुर से 9 बार विधायक रह चुके और पंजाबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सुरेश खन्ना को कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया है। 2024 पर है बीजेपी की नजर। असल में योगी कैबिनेट में सभी जातियों और क्षेत्र के समीकरणों को देखते हुए मंत्रियों की जगह दी गई है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और कैबिनेट के जरिए बीजेपी ने अपने वोट बैंक को एक सियासी संदेश देने की भी कोशिश की है। फिलहाल बीजेपी ओबीसी, दलित और जाटव वोटों को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं सुन्नी मुस्लिम समुदायों के एक नेता को मंत्री बनाकर मुस्लिम में अति पिछड़े माने जाने वाले पसमांदा वर्ग को साधने की कोशिशें की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि जो बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है उससे बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।